आज स्वतंत्रता दिवस की खुशियाली सब तरफ है, चाहूर है। बड़े हर्षोल्लास के साथ 75 बरस मनाया जा रहा है। सुदीर्घ सृजनी के बाद सुहानी सुख की किरणें आई है। ऐसा लगता है कि जैसे एक नए युग का सूत्रपात हुआ। देशवासियों की उम्मीदें फिर से जगी, उनकी आंखों में आशाएं चमकी। एक लंबे संघर्षपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन के बाद अंग्रेजों से भारत को आज़ाद दिलाने के लिए अनेकों वीरों ने वीरतापूर्वक हंसते हंसते बलिदान दिया। भरत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए हंसते हंसते पांची पर चढ़ गए। इतने संघर्ष, इतने बलिदानों और इतनी सदातों के बाद अपना यह देश पराधीनता की दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो पाया। अनेक वीरों के बलिदान के बाद मिली यह आज़ादी अनमोल है, और संसार की कोई भी वस्तु इस मोल को चुकाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। 15 अगस्त को मध्यरात्रि को जब अपना यह देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों का उत्साह, उमंग, उल्लास चरम पर था। राष्ट्रीय स्तर पर आनंद उत्सव का वातावरण था। स्वाधीनता सेनानियों के सीने गर्व से चौड़े थे। देशवासियों के भाल पर गौरव का ताज था, और प्रत्येक देश प्रेमियों आनंद से भाव विभोर थे। उस रात को 12 बजे जब घड़ी ने 15 अगस्त होने का संकेत दिया तो राष्ट्र गौरव के उद्घोष से गूंज उठा। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाल किले की प्राचीर पर चढ़े तो उनके शब्दों में आशा का पुष्प था। भविष्य के प्रति एक सकारात्मक नजरिया था। वे बोले, अभी जब रात्रि में सारा विश्व सो रहा है तो भारत जाग उठा है। भारत की आत्मा अपने शब्दों को तलाश रही है और यह एक नए उत्साह के साथ उठ खड़ा होगा। इन शब्दों ने राष्ट्रवासियों के मध्य एक नवीन आशा का संचार कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए, अनायास ही उत्साह, उमंग, उल्लास का वातावरण बन गया। हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है, यही प्रत्येक भारतवासी का सर्वोच्च जीवन मूल्य एवं लक्ष्य होना चाहिए। हम खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद हैं।